हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम खैरियत से होंगे। तो मैं फरहीन हाजिर हूँ फरहीन की दुनिया में एक और व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल गए थे अबूधाबी मॉस्क और लौट के हम लोग बहुत थक गए थे। तो आज का प्लान हमारा था कि हम कसर अल वतन विजिट करें, पैलेस ऑफ द नेशन, प्रेसिडेंशियल पैलेस जो कि अबूधाबी यूएई में लोकेटेड है। कसर अल वतन को एक्सप्लोर करने के लिए यू हैव टू बाय टिकट्स ऑनलाइन। उनकी वेबसाइट है जिस पे आप जाके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और टिकट भी बाय कर सकते हैं। तो जोहर की नमाज पढ़ने के बाद हम सब प्रेसिडेंशियल पैलेस कंपाउंड की तरफ निकल गए जहां पे कसर अल वतन सिचुएटेड है। प्रेसिडेंशियल पैलेस को 2010 और 2017 के बीच कंस्ट्रक्ट किया गया था। It was used for official purposes only, mainly to host foreign dignitaries and leaders, as well as hosting meetings of the country's Supreme Council and the Federal Cabinet. Then in 2019, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan decided to open the palace to the public to celebrate the heritage of the country. The palace became one of the world's landmarks of art and culture. Even after being opened to the public, the palace continues to be used for official purposes. Presidential compound बहुत ही huge area में था और हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे parking spot तक पहुंचने में। Parking ले ली हम लोगों ने और shade वाली parking ली so that कि हमारी गाड़ी एकदम तपने ना लगे, because obviously वापस जब आओ तो गाड़ी बहुत ही गर्म हो जाती है। तो व्हीलचेयर मिल गई थी अम्मी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ का मैं हमेशा कहती हूँ कि यू नो, जितनी आसानियाँ हैं ना इस कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह, उतनी आसानियाँ कहीं नहीं होती हैं। एंड वी रीच द प्लेस और आसानी से हमें व्हीलचेयर मिल गई। और उसके बाद फिर ये जो एरिया था, ये बेसिकली एक ऑफिस काइंड ऑफ प्लेस था। इस पर विजिटर एंट्री लिखा था, कसर अल वतन लिखा था, एंड वी हैड टू गो इनसाइड। और वहाँ हमें प्रॉपर चेकिंग होनी थी हमारी, और वहाँ पे हमारे टिकट्स चेक होने थे, एंड देन वी हैड टू एंटर दिस बस। कसर अल वतन कंपाउंड के और अंदर था, जहाँ तक पहुँचने के लिए आप पैदल नहीं जा सकते, इसीलिए सारे विजिटर्स को इस बस के थ्रू लेके जाया जा रहा था। चार से पाँच मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग फाइनली जो है पैलेस के गेट तक पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं। और वहां पे और भी बसेस थी बिकॉज बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे। पैलेस वॉज ब्यूटिफुल, यू कैन सी इट योरसेल्फ। मैं जब जैसे जैसे मैं एंटर हो रही थी, आई वॉज गोइंग थ्रू द कॉरिडोर, एंड मेरे पास अल्फाज नहीं है पैलेस की खूबसूरती बयां करने के लिए। इट वॉज सो ब्यूटिफुली मेड, हर चीज़, दीवारें, फ्लोरिंग, गार्डन, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। और कहते हैं ना कि जब आप कोई बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है तो उसको देख के आप देखते ही रह जाते हैं, बस वही हो रहा था मुझे। बहुत ही खूबसूरती से प्रेसिडेंशियल पैलेस को बनाया गया है। और हम कॉरिडोर के थ्रू इसलिए भी आ रहे थे बिकॉज बहुत तेज़ धूप थी, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर था कि हम धूप से होकर मेन एंट्रेंस तक आएँ। तो हम कॉरिडोर से होते हुए ये मेन एंट्रेंस तक आ गए थे। तो हम लोग मेन एंट्रेंस तक आ चुके थे, मेन डोर तक आ चुके थे पैलेस के, एंड यू कैन सी द डोर इज़ सो ह्यूज एंड सो ब्यूटिफुल, एंड एवरीथिंग, एवरी डिटेलिंग इज़ सो परफेक्टली डन। पैलेस में एंटर होने के तुरंत बाद हम लोग एक बहुत ही बड़े हॉल में एंटर हुए जो कि बहुत ही ब्यूटिफुली बिल्ट किया गया था। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स दैट वर यूज्ड वर वाइट ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन, और इसमें बहुत ही बड़ा सा शैंडलियर भी था। ग्रेट हॉल इतना खूबसूरत था, उसकी सीलिंग्स, उसकी दीवारें, उसके कॉरिडोर्स। और ग्रेट हॉल के दोनों तरफ दो सेक्शंस थे जिसमें और भी डिटेल में मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्या क्या मौजूद था। एक सेक्शन को ईस्टर्न विंग बोलते हैं और दूसरे सेक्शन को वेस्टर्न विंग बोलते हैं। द ग्रेट हॉल इज ट्रूली अ साइट टू बिहोल्ड। एवरी विजिटर कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन द मेस्मराइजिंग डिटेल्स ऑफ द ग्रेट हॉल।
by exploring the mirrored cubes positioned at every corner of this beautiful hall. द ग्रेट हॉल वॉज एक्सट्रीमली ह्यूज, तो स्पेस में बैलेंस लाने के लिए चारों कॉर्नर्स पे डोम क्रिएट किया गया था। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे पैलेस में, ऑल वी सॉ वाज ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड ब्यूटीफुल कल्चरल स्टफ। बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें डिस्कवर करी अबाउट यूएई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अंदर लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे पैलेस में जा रहे थे अलग अलग सेक्शंस में, हमें बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन का पता लग रहा था अबाउट द कल्चर एंड अबाउट द हेरिटेज ऑफ द यूएई। One Thousand and One Nights is a collection of Middle Eastern folk tales, जिसे कि Arabic में compile किया गया during the Islamic Golden Age. English में इन stories को Arabian Nights भी कहते हैं. Arabian Nights की कुछ चंद कहानियाँ जो हम सभी ने सुनी हैं, उनमें से कुछ हैं अलादीन का चिराग, अली बाबा 40 चोर, सिंदबाद द सेलर।
अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स सेक्शन में वी गॉट टू नो कि अरब स्कॉलर्स का, अरब एस्ट्रोनॉमर्स का कितना बड़ा हाथ था एस्ट्रोनॉमी को समझने में, यूनिवर्स को समझने में, सन एंड मून रोटेशन को समझने में, यू नो ऑल द नेचुरल फिनोमेना दैट वॉज गोइंग इन द यूनिवर्स. तो उस चीज़ को समझने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. पुराने ज़माने में जब साइंस इतना एडवांस नहीं था, नेविगेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी था. नेविगेशन इज़ बेसिकली द आर्ट ऑफ नोइंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. नेविगेशन नॉलेज को इम्प्रूव करने में अरब्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है. गोल्डन एरा में मेडिसिन का क्या रोल था, यहाँ पे ये बताया गया है. एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड इट सो नाइसली कि किस तरह से उस ज़माने में हकीम लोग ट्रीटमेंट करते थे, लोगों को दवाइयों से ट्रीट करते थे. और कभी कभी जब बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां आ जाती थी, जो उस ज़माने में बहुत आती थी, तो किस तरह से वो लोग फेस करते थे इस प्रॉब्लम को. You can see this hall, that this room basically is for official meetings. तो जब भी किसी किस्म के discussions होते हैं related to the country, तो obviously यहाँ पे meetings होते हैं. नेक्स्ट हम लोग कसर अल वतन लाइब्रेरी पहुँचे एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज ह्यूज. इतनी सारी किताबें, मैंने इतनी बड़ी लाइब्रेरी अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी एंड मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी ये लाइब्रेरी. फीचरिंग कलेक्शन ऑफ 50,000 बुक्स फ्राम वेरियस एजेस ऑफ अरेबियन स्कॉलरशिप, दिस लाइब्रेरी इज़ एन एक्सपेंसिव स्पेस वेयर हिस्ट्री एंड नॉलेज हेल्प इंस्पायर एंड मोल्ड द फ्यूचर. पैलेस का इंटीरियर इतनी खूबसूरती से बनाया गया था दैट यू जस्ट कांट स्टॉप प्रेजिंग द आर्किटेक्ट्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग दिस पैलेस. ब्यूटिफुली मेड, एक एक चीज का उन लोगों ने ध्यान रखा, एक एक डिटेलिंग का ख्याल रखा. नेक्स्ट हम लोग प्रेसिडेंशियल बैंकवेट हॉल की तरफ गए एंड वी सॉ द हॉल विच वॉज सो ब्यूटिफुली डेकोरेटेड.
This is the hall wherein officials from around the globe are treated to a unique taste of Emirati hospitality. Explore a collection of gifts signifying a legacy of goodwill between the UAE and the world. UAE को अलग-अलग countries से किसी न किसी form में gift मिला है जो कि signify करता है कि UAE का relation उनके साथ बहुत ही friendly था. This was in a form of some symbol, this was in a form of some scriptures, this was in a form of different kinds of things in which that country was famous for. यहाँ आप देख सकते हैं कि कुरान पाक भेजी है अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज ने यूएई को।
बेसिकली दिस वॉज द ऑफिशियल्स डिस्कशन मीटिंग रूम जहाँ पे सारे ऑफिशियल्स मिलके डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंडाज. Here is where entities such as the Federal Supreme Council, the Arab League and the Gulf Cooperation Council come together to express ambitions, set agendas and map the way forward. Visitors can learn about diplomacy and protocol as they admire the iconic chandelier and circular layout of the room, symbolizing the UAE's commitment to equality and illumination. कसर अल वतन में घूमते घूमते हमें तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे और सारी चीज़ें कवर हो चुकी थी, तो वी डिसाइडेड दैट वी विल गो बैक बिकॉज हम सभी लोग बहुत थक चुके थे और अम्मी तो बहुत ज़्यादा थक गई थी. वी केम आउट ऑफ द पैलेस एंड वी सॉ कि बस आ चुकी थी, खाली थी और मैंने जल्दी से पहली वाली सीट ले ली बिकॉज अम्मी के लिए बहुत पीछे जाना बस में चढ़ के बहुत मुश्किल होता. उनकी व्हीलचेयर तो लगेज सेक्शन में ही थी, तो यहाँ पे तो हर चीज़ की आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री में. तो एनी हाउ फिर मैंने रास्ते की भी वीडियो बनाई और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा. मैंने कोशिश करी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, पूरा पैलेस घुमा सकूं और आगे भी इसी तरह के व्लॉग मैं बनाती रहूँगी. मुझे सुनते रहिएगा फरहीन की दुनिया में. अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर.